आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खंडवा में 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस 8 अगस्त को मनाया जाएगा। इस अभियान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस डॉक्टर NK सेठिया द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 8 अगस्त को 1 से 19 वर्ष तक के 5 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसों, निजी स्कूलों और अर्धशासकीय स्कूलों में खिलाई जाएगी। डॉक्टर सेठिया ने बताया कि जिले में 1155 प्राथमिक स्कूल, 495 मेडिकल स्कूल, 64 हाई स्कूल, 67 हायर सेकेंडरी स्कूल, 27 अर्धशासकीय स्कूल, 405 निजी स्कूल और 1682 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवाई पिलाई जाएगी। जो आंगनबाड़ी है वो गोली खिलाएगी। आंगनबाड़ी जो पंजीकृत बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी जो है वो गोली खिलाएगी और जो अपंजीकृत है या साला त्यागी है या साला अप्रवासी है उन बच्चों को जो है आशाएं बुला के और आंगनबाड़ी पे गोली खिलाई जाएगी। ये गोली पूरे राष्ट्र में एक दिन जो है 8 अगस्त को खिलाई जाएगी। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम एक दिवसा है जिसमें तो पूरे भारतवर्ष में ये गोली सभी बच्चों को खिलाई जाएगी। इसके तहत हमारे जिले में जो है 5,07,326 बच्चों को ये गोली खिलाई जाएगी। ब्लॉक वाला अपन देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में लगभग 91,000 बच्चे हैं, जावर में 39,000 बच्चे हैं। नंगे से होता है, नंगे हाथ बिना हाथ धोए खाना खाना, नंगे पैर घूमना और शौच के बाद हाथ नहीं धोना, नाखून नहीं काटना, जिससे पेट किडनी के जो अंडे रहते हैं वो अपने भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो अंडे पेट के आंत में जो है उनका विकास होता है, गलती होती है और वो अंडे जो है गति करते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिससे बच्चे का जो पोषक तत्व है, जो खाना खाता है, भोजन में जो पोषक तत्व है वो पीने खा जाती है, जिससे उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है। बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे का वजन कम हो जाता है, बच्चे में जो आयरन की कमी है जिसको अपने एनीमिया बोलते हैं वो मुख्य कारण जो है इसका किडनी संक्रमण होता है। किडनी संक्रमण से आयरन की कमी होने से एनीमिया हो जाएगा, बच्चे की जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाएगी, थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा पढ़ेगा तो थक जाएगा, थोड़ा सा पढ़ेगा थक जाएगा, उसकी जो याद करने की शक्ति वो भी कम हो जाएगी, है ना, उसके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इसलिए गोली खिलाना बहुत आवश्यक है। मेरा सभी से ये आग्रह कि आप इसका ज़्यादा से आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें।